हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। एक छोटा वीडियो होगा, लेकिन चूंकि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बहुत सारी जगहों पर इसका यूज होता है, इसलिए हम इसको एक छोटी सी वीडियो में इसको जान लेते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसको कहते हैं और इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं, या तो हम इसको पीपीसी कहते हैं या पीपीएफ भी कहते हैं। है क्या ये बेसिकली एक कर्व है जिसके अंदर हम टू कमोडिटीज के प्रोडक्शन की अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाते हैं। आप कह सकते हैं इसको कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर इज ए कर्व और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप इसको कह सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि डिपिक्टिंग ऑल मैक्सिमम आउटपुट पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स गिवन ए सेट ऑफ इनपुट। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें कि हम इस जो बात करेंगे तो फिगर में इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। इट्स ए काइंड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक कर्व होता है जो कर्व अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताता है टू कमोडिटीज के। एक कमोडिटी हो जाएगी, एक ही हो जाएगी, ये उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं दोनों कमोडिटीज के। मतलब इन किसी भी कॉम्बिनेशन में से, जितने भी इस कर्व पे कॉम्बिनेशन में, इनमें से जो भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और प्रॉफिट दे रहा है, प्रोड्यूसर उस कॉम्बिनेशन को चूज कर सकता है। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो कर्व जो प्रोडक्शन की अलग अलग पॉसिबिलिटीज दे रहा है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे और फिगर के और कुछ डेटा के जरिए, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें अजम्पशंस क्या क्या है, क्योंकि यहां हम जब कुछ अजम्पशंस लेकर चलेंगे उसके बाद अगर हम थ्योरी को समझेंगे तो थोड़ी सी आसान होगी। तो हम इसके अंदर कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं। तो पहला अजम्पशन है टू कमोडिटीज, यानी हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। जाहिर है ये एक अजम्पशन है, अदरवाइज द इकोनॉमीज हैज बीन प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट। हम ये फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। दूसरा अजम्पशन है क्वांटिटीज ऑफ रिसोर्सेज डू नॉट चेंज। हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, इनपुट्स हैं, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट है, एक तरीके से आप कह लीजिए वो फिक्स है, उसी फिक्स अमाउंट से हमें दोनों कमोडिटीज को प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्शन के दौरान रिसोर्सेस ना बढ़ सकती हैं ना घट सकती हैं। ठीक है, थर्ड अजम्पशन है हमारा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डू नॉट चेंज। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कह लीजिए या प्रोडक्शन टेक्निक कह लीजिए, वो प्रोडक्शन के दौरान चेंज नहीं होनी चाहिए। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं मान लीजिए, और प्रोडक्शन के दौरान एक नई टेक्नोलॉजी आ गई और हमने अगर उसको ऐड कर लिया तो प्रोडक्शन तो वैसे ही बढ़ जाएगा, उससे तो हमारा ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि प्रोडक्शन के दौरान जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है पहले से, हम उसी को यूज करेंगे। और लास्ट अजम्पशन है रिसोर्सेस आर यूज्ड इन टेक्निकली इफिशिएंट वे, यानी हम जो भी रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं उससे अच्छा और उससे इफिशिएंट वे और नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग दीज रिसोर्सेस। हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा इस वक्त वाला जो हमारा रिसोर्सेस का यूसेज है वो टेक्निकली इफिशियंट है। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं इसको ग्राफ और कुछ डेटा के थ्रू। ओके, तो अब इस ग्राफ और इस टेबल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कैसे एक ही कर्व अलग अलग दो कम्युनिटीज के कॉम्बिनेशन का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, यहां वाई एक्सिस पर हमने आउटपुट ऑफ टी यानी
टी लिया है और यहां आउटपुट ऑफ कॉफी लिया, जगह कम की वजह से इसको शॉर्ट में लिखा है। तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, टी एंड कॉफी। दिस इज जस्ट एन अजम्पशंस, द इकोनॉमी हैव बीन प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां हम मानकर चल रहे हैं कि ये हमारी इकोनॉमी टी और कॉफी को प्रोड्यूस कर रही है। अब देखिए, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज है जो हम इस प्रोडक्शन के ऊपर खर्च या स्पेंड करेंगे। ठीक है, अब एक कॉम्बिनेशन है जिसे ए कॉम्बिनेशन है, ये यहां पर सपोज कर लीजिए कि हमने सारा का सारा प्रोडक्ट ए बनाने में पैसा लगा दिया, हमने सारा का सारा पैसा प्रोडक्ट ए बनाने में लगा दिया, यानी यहां हमने पूरे टी वन तक है हमारा पूरा, हमने प्रोडक्ट ए बना लिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब सारा का सारा पैसा हमने प्रोडक्ट ए को बनाने में लगा लिया, टी को बनाने में लगा लिया, सॉरी, सारा का सारा पैसा हमने टी को प्रोड्यूस करने में लगा लिया, तो कितना पैसा हम कॉफी को प्रोड्यूस करने में लगाएंगे? इट्स सो ऑब्वियस कि अगर हमने सारा का सारा पैसा एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पर लगा दिया तो दूसरे के लिए हमारे पास पैसा है ही नहीं, बच ही नहीं रहा। तो इस केस में हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ कॉफी होगा वो जीरो होगा। यानी एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये है कि हम सारा का सारा पैसा टी में लगा दें और कॉफी को प्रोड्यूस ही ना करें। लेकिन सपोज कर लीजिए हमारे पास अब थोड़ी सी कॉफी की भी डिमांड है, तो हम कॉम्बिनेशन बी पर आ गए। यानी जब हम कॉम्बिनेशन बी पर आए तो हमने इसको इसका कॉफी को सी वन तक प्रोड्यूस किया, कॉफी को हमने सी वन तक प्रोड्यूस किया। जब हम कॉफी को सी वन तक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ रिसोर्सेस हैं जो कॉफी जो टी के प्रोडक्शन में थी वो कॉफी के प्रोडक्शन में शिफ्ट हो गई। तो जब हमने इसको जीरो से सी वन किया तो ये टी वन से टी टू पर आ गया, क्योंकि ये रिसोर्सेस अब हमने शिफ्ट कर दी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। टी का प्रोडक्शन कम हो गया, कितना आ गया? टी टू। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड ले लीजिए, यानी सी। सी के अंदर हमने और प्रोडक्शन जो है वो टी का घटाकर कॉफी का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, यानी यहां पर अब जो हमारा टी का जो प्रोडक्शन है वो टी थ्री पर आ गया और कॉफी का प्रोडक्शन बढ़कर सी टू हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप फर्दर डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ टी और इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, तो आप डी पॉइंट पर आ जाएंगे जहां पर आपका टी का प्रोडक्शन टी फोर हो गया और कॉफी का प्रोडक्शन घटके सी थ्री हो गया। अब यहां एक और एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएगी, क्या? कि ये मानकर चलिए कि अब हम सारा का सारा पैसा कॉफी के प्रोडक्शन पर लगा दे रहे हैं, यानी हम जो है वो सी फोर कॉफी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर सारा का पैसा हमने कॉफी के प्रोडक्शन पर लगा दिया तो टी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बच रहा, तो टी का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। इसी डेटा को जब हम कर्व पर लाएंगे तो ये कर्व तैयार होगा और इसके ऊपर ये जितने पॉइंट आएंगे, यानी इस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट आएंगे, कोई भी प्रोडक्शन का आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए, वो हमारी रिसोर्सेस के अंदर है। यानी इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी प्रोडक्शन की ऐसा कर्व जो प्रोडक्शन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। ठीक है, अब एक कंडीशन आ जाती है कि सपोज कर लीजिए कि एफ पॉइंट पर भी तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, जी पर भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये भी दो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ये दोनों कॉम्बिनेशन इनसफिशियंट है। इन कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं इनसफिशियंट। Insufficient combination. क्यों? क्योंकि हमारे पास resources idle है। यहां तक अगर हमने कर लिया तो ये resources हमारे पास idle पड़ी हुई है। हम इनको और use करके और product बनाकर और profit कमा सकते हैं।
तो ये इनसफिशिएंट कॉम्बिनेशंस कहलाते हैं। अब एक और चीज आ गई, हमारे पास ये एच पॉइंट है कि एक कॉम्बिनेशन और है, हम इसको प्रोड्यूस कर लें। लेकिन चूंकि हमारे पास रिसोर्सेस सिर्फ यहां तक है तो ये पॉइंट कहलाता है अनअटेनेबल। अनअटेनेबल, तो हम ये कॉम्बिनेशंस इनसफिशिएंट है इसलिए हम लेते नहीं हैं, और जो कर्व के बाहर कॉम्बिनेशन आता है वो अनअटेनेबल होता है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस इतनी नहीं होती है। तो हमारे हम जिसको इफिशियंट कॉम्बिनेशन कहते हैं वो इस कर्व पर होता है, यानी ए बी सी डी ई ये जितने भी हैं ये इफिशियंट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यानी कर्व के ऊपर जो कॉम्बिनेशन आएंगे वो इफिशियंट है, बस उन्हीं पर हम प्रोड्यूस करेंगे। जो अंदर होंगे कर्व के अंदर वो इनसफिशियंट पॉइंट कहलाएंगे, जो कर्व के बाहर होंगे वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो छोटा है लेक्चर लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो या कोई एडवाइस देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। थैंक यू सो मच।